नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टेन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर की ओर। ये नजारा ग्रेटर नोएडा से सटे गांव प्रीत विहार का है, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित चल रहे हैं। आलम यह है कि इस इलाके में गंदे पानी के साथ सड़कों का इंतजाम नहीं है, जिसके कारण वहां की जनता बेहद परेशान है। तो इसी बीच इस गाँव के लोगों ने योगी सरकार से गुहार लगाई। बता दें, जैसे पूरे प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, वैसे ही योगी सरकार प्रीत विहार की तरफ भी ध्यान दे। नमस्कार, मैं दीक्षा गुलश्रेष्ठ जी टेन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। जहां पूरे देश में बीजेपी सरकार हर जगह सड़कें बनवा रही है और लोगों के हित के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाल रही है, बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो सके, लेकिन अभी भी हमारे पूरे देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते हम ग्रेटर नोएडा में एक क्षेत्र में मौजूद हैं जहाँ हमारे साथ एक बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह सड़कों का आलम है। यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं क्षेत्र के, आइए उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की समस्याएं उनको यहाँ पे झेल रहे हैं समस्याओं को, और यहाँ पे किस तरीके से यहाँ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका नाम क्या लगता है आपको? जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सड़कें बहुत ज्यादा, यहाँ का हाल बेहाल है, आपने कभी इस आपकी समस्या को लेके यहाँ पे कभी किसी को आपने शिकायत की है? क्या ये शिकायत? हाँ जी, वो अगर विधायक के पास भी गए तो मेरे खाते में पैसा ही ना, और ये वो है कि मेरे पोता के बाहर है कि फलानों का देखो। तो विधायक से आपने कितनी बार शिकायतें की होगी और उन्होंने आपकी बात? मैं तो एक बार ही गया हूँ, बाकी और लोग बहुत गए। मैं यहाँ पे और लोगों से बात करती हूँ जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सड़कों की समस्याएं मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, तो आपने कितनी बार वहाँ पे शिकायत दर्ज की? और मैम, कम से कम सब यहाँ से इकट्ठे को चार पाँच बार गए, लेकिन उन्होंने कभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कई बार हमने उनसे कहा भी कि भाई हमारी समस्या है, कॉलोनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उन्होंने कभी नहीं सुना हमारे बारे में। और यही कहते हैं कि हमारे पास कोटे का फंड नहीं है, और साफ ये कहते हैं कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, जबकि वोट के लिए वो हमेशा यहाँ आते हैं। अच्छा, मतलब उनका कहना ये क्षेत्र में नहीं आता, ये सांसद निधि से आएगा, सांसद करवाएगा, ये विधायक के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के टाइम पे वो यहाँ आते हैं, वोट मांगने आते हैं, ठीक है जी, और घर घर घूमे हैं वो लोग, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। हम कई बार चले गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। यहाँ पे जैसा कि मैं देख रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, उनका कहना है कि यहाँ पे विधायक से शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो इसी के चलते आगे बढ़ते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि और क्या समस्याएं हैं और कैसे कैसे वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, असल में क्या कि हमारे इधर एरिया ये छपरौला के अंदर में आ गया, तो छपरौला के ग्रामवासियों ने जो ना सरकारी रोड सारी टूट गए, सारा पानी इधर बाहर, और इससे सभी को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारे तो बिजनेस है इस रोड पे, दुकानें हैं, ऑफिस है, और सभी लमसम में करीब 6 महीने से बंद पड़ा हुआ। ये हमारे भैया अभी, हाँ जी कोहली भाई, हाँ जी बड़े भाई इधर आइए, ये हमारे भैया अभी 3 दिन पहले इसी रोड पे बाइक से इनका एक्सीडेंट हुआ, ये पूरी साइड दो इंच फ्रैक्चर है। तो किस तरीके से आपका कैसे हुआ? रास्ता खराब। तो मैं जानना चाह रही थी कि शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है? कोई सुनवाई नहीं करता, यहाँ कोई करता नहीं किसी। तो यहाँ पे पानी और सड़क को लेके समस्या ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम 3 दिन पहले में, अभी हम 15 दिन पहले भी पुलिस चौकी में शिकायत लेकर गए इस छपरौला के पानी को लेकर, तो हमसे चौकी इंचार्ज ने बोला जी ये एरिया जो है हमारे अंदर में नहीं आ रहा है, अभी ये शिकायत जो अथॉरिटी में करनी है, तो हमारे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हम इन्वॉल्व नहीं हुए इसमें, यदि कोई तोड़ता है या पानी बंद करवा पे कोई परेशानी आती है आप दोबारा हमको। तो आपने मैम नोएडा अथॉरिटी में तो देखो यहाँ के जो किसान लोग हैं ये इनको साथ में होना चाहिए, ग्राम ये कॉलोनी वासी इतने सारे काम पे जाते हैं। ये नजारा है ग्रेटर नोएडा से सटे गांव प्रीत विहार का, जहां पर ना तो सड़कें बनी हैं और ना ही यहां नालियां बनी हैं। कहने को तो ये ग्रेटर नोएडा का डेवलप एरिया है, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इन सड़कों पर लोग चलने को मजबूर हैं। इतना ही, यहां नालियां और सीवरेज
न होने की वजह से लोग अपने घर के बाहर गड्ढा खोदकर वहां गंदा पानी इकट्ठा करने को मजबूर हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैम इसका विधायक से सीधा मतलब, अगर विधायक जी चाहेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन सुनता नहीं है, बोल देता हूँ अथॉरिटी में आ रही है, वैसे अवैध है, अवैध कॉलोनी बता कर हमें भगा देते हैं। विधायक जी जी उनके बारे कहते हैं विधायक जी से मिलो, और विधायक जी कहते हैं अथॉरिटी से मिलो। यहाँ के विधायक जी तो साफ मना कर देते हैं कि मेरे क्षेत्र कार्य वोट मांगने आते हैं। उनके जो कुछ बंदे रहते हैं उनके जाते हैं अपने टोपी में, विधायक साहब उनको परमिशन देगा जब भी बल्दे होते हैं, थोड़े जब आते हैं तो उनका स्वागत भी करते हैं। और जगह कॉलोनी के लिए पागल बना के उनको विधायक, ये सब जाते हैं कॉलोनी के सारे जाते हैं विधायक स्वागत करवाने, आप नहीं जाते कोई भी, जब काम की बारी आते तो किसी साथ तो नहीं जाते। सड़कों का आलम कितने सालों? ये मैम कम कम वो तो मैम और यहाँ उनको इस सड़क के अलावा उनको घर में भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, और उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं। दिखवा देते मैम आगे भी आपको। मैं गीता राज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने यहाँ से बात की यहाँ लोगों से, तो यहाँ सड़कों की सबसे ज्यादा समस्या है। बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, हस्बैंडों को सुबह ड्यूटी जाते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, इतने इतने पैर गड्ढे में चले जाते हैं, क्या दोबारा नहाए वो? और घर के आगे गड्ढा खोदा हुआ है, नाली का पानी नहीं निकल रहा है, और उन्हें फिर सुबह को हस्बैंड बिखेर के जाए या फिर लेडीज बिखेर है, घर में गटर भर जाते हैं, बीमारी होगी, बीमार हो रहे हैं सब बच्चे, बीमार पड़े हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। दिखवा देते मैम एक बार के लिए, चलो समस्या हर चीज की, जब नाली और लाइट कुछ भी नहीं आएगा, ना तो पानी निकल रहा है, नहीं रोड है। तीन साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, तीन साल से मिट्टी डलवाते डलवाते मैं पागल हो गई हूँ, मैं ही ना पूरी पब्लिक पागल है, पूरी गली। मैम 80,000 रुपए की मिट्टी डलवा लिया इसी महीने में, हर बार हमें यही करना पड़ता है, लाइट भी यही आलम है, बीजेपी वोट मत दियो, लाइट भी ऐसी आती है, बीजेपी का आना ही मना कर देंगे यहां, आलम है आपका यहां बता देना, बीजेपी का आना मना कर देंगे, ना कोई बीजेपी का आदमी बने हो सदस्य ले रहे हैं, वोट तब वोट फॉर बीजेपी, हम गरीब आदमी है, गरीब जो तो चले तो पांव में तो पड़ जान दो यार, इस एरिया में हमने मकान बनाया, अरे इसमें भी हमें सुकून नहीं है, फिर कहां जाए, कौन सी पहले पक्की कॉलोनी थी, ये दिल्ली इतने एरिया में फैली हुई है, पहले कितने एरिया में थी वो सब पक्की नहीं हुई, या गाजियाबाद कहाँ तक पहले था जो आप यहाँ तक कवर कर रहे हैं, कदम उठाए वहाँ पे शिकायत, मैम ठीक है विधायक जी से, तो मैं जानना चाह रही थी, तो आपने कभी उनसे ये नहीं कहना कि मेरा विधायक जी आते हैं, इसी के चलते हम इसी रोड पे आगे बढ़ते हुए जब यहाँ पे लोगों के घरों के आगे पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में इतनी समस्या हो रही है कि उनको उस पानी भराव में 3-3 फुट मिट्टी डालनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी हर 2 दिन में पानी वहाँ पे फिर से भर जाता है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि सड़कों का क्या आलम है और लोग किस तरीके से अपने घरों में रह रहे हैं और ये किस तरीके से इस गंदे पानी को बाहर निकालते हैं। सुरेंद्र कुमार तिवारी, मैं जैसे कि यहाँ देख पा रही हूँ ये गड्ढा किस लिए बनाया है आपने? मैडम क्या करें, पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आपने देखा नाली पूरा जाम है, रोड की वो हाल है, तो पूरा पानी भरा हुआ था, आज के 2 दिन तक भरा हुआ था, ये तो लोगों ने अपने अपने घर के सामने जो है गड्ढा बना के करा है, तब जाके थोड़ा सा तो फिर ये गड्ढा जब भर जाता है उसके बाद पानी इसका पानी वो बाल्टी रखते हैं फिर कहाँ फेंकते हैं पानी? उधर कहीं फेंक देते हैं, चाहे जगह नहीं तो रोड पे डाल देते हैं, क्या जगह नहीं मिल रही तो यहीं डाल रहा, यहीं रह रहा, तो बीमारी है गंदगी कोई सोच ही नहीं रहा। और यहाँ पर हमें गंदा पानी इधर उधर बाल्टियों में भर भर कर फेंकना पड़ता है, जिससे कि हमारे बच्चों को डेंगू और मलेरिया हो रहा है, हम काफी परेशान हैं। सड़कें नहीं है, उसके बाद लोग गड्ढे बना रहे हैं, उसमें अपने घर का गंदा पानी उस गड्ढे में जमा कर यहाँ पे पानी जमा होने से गंदगी फैलेगी, इससे मच्छर पनपेंगे और डेंगू या किसी और अन्य बीमारी के वो शिकार भी, तो इसी के चलते हम